तवत् सभापति महोदय, राजस्थान में रविवार दिनांक 29/1/2023 को कई स्थानों पर भारी बारिश एवं ओलावृष्टि हुई, जिसमें मेरे विधानसभा क्षेत्र वल्लभ नगर में भारी ओलावृष्टि से सबसे ज़्यादा फसलें बर्बाद हुई हैं। यह क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है तथा यहाँ आय का प्रमुख स्रोत कृषि एवं उससे संबंधित व्यवसाय है। क्षेत्र में बेर के आकार के ओले गिरे, जिससे खेतों में सफ़ेद चादर बिछ गई तथा बर्बादी का आलम देखकर किसान मायूस और हताश हो गए। भारी बारिश के बीच में किसान खेतों में फावड़े से ओले समेटते रहे, परंतु ओलावृष्टि एवं तेज बारिश के कारण फसल नहीं बचा सके। क्षेत्र में सरसों, गेहूं, जौ, चना, मेथी सहित विभिन्न सब्जियों की फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। सरसों की तो पकी फसल ही ओले और बरसात के पानी में डूब गई तथा अन्य खड़ी फसलें आड़ी पड़ गईं। हर तरफ किसान फसलों की बर्बादी की पीड़ा सुना रहे हैं। क्षेत्र में इस प्रकार की अतिवृष्टि पहली बार देखी गई है। किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया, जिसके कारण इसमें काफ़ी ज़्यादा निराशा का माहौल है। किसानों के द्वारा लाखों रुपए लगाकर रबी की फसल की बुआई करने हेतु महंगे खाद और बीजों को क्रय कर खेतों में बुआई की गई थी। किसानों के घरों की छतें टूट गई तथा घरों में पानी भर गया है। विधानसभा क्षेत्र की समस्त 71 ग्राम पंचायतों की फसलें नष्ट हुई हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को जो टोल फ्री नंबर दिया गया है, उसे कोई रिसीव नहीं करता है। साथ ही उनके द्वारा जो ऐप लॉन्च की गई है, वो भी डाउनलोड नहीं होती है। इस गंभीर लापरवाही के कारण भी किसानों में केंद्र सरकार के विरुद्ध भारी रोष है। अतः मेरा राज्य सरकार से प्रक्रिया के नियम 295 विशेष उल्लेख के जरिए आग्रह है कि विधानसभा क्षेत्र वल्लभ नगर के गाँवों में 90% फसल खराबा होने के कारण अविलंब मुआवजा राशि स्वीकृत कर किसान भाइयों को राहत प्रदान की जाए। धन्यवाद।